या सभी को नमस्ते। सभी साथियों का हिंदी सत्र में स्वागत है। भाई हम स्लाइड को जस्ट मतलब कल आपने डिस्कस जी इसे बस हम लोग लेक्चर 14 को स्टार्ट ही कर रहे थे। इसके पहले कुछ प्रश्न थे लेक्चर 13 को लेकर, उसको हम लोग डिस्कस किया था। उसके लिए कुछ असाइनमेंट भी हैं जो कल शेयर किए गए थे ग्रुप में। तो लेक्चर 14 में अब हम आगे और स्टडी कर रहे हैं जो हायर एक्टिविटीज हैं, और देखते हैं कि कैसे हायर एक्टिविटीज लोअर एक्टिविटीज को गाइड करती हैं। हायर एक्टिविटीज मतलब चिंतन बोध अनुभव की क्रियाएं, लोअर एक्टिविटीज मतलब जो कल्पनाशीलता की क्रियाएं। तो कैसे चिंतन बोध अनुभव से नीचे कल्पनाशीलता की क्रियाएं गाइडेड होती हैं, व्यवस्थित होती हैं, उस पर हम लोग अभी डिस्कशन करने वाले। तो हायर एक्टिविटीज को देखते हैं, दिखता है कि सहअस्तित्व व्यवस्था संबंध इसको जो देख पाना है, यही हायर एक्टिविटीज का अवेकनिंग है, जागृति है। तो जब हम चिंतन बोध अनुभव में जागृत होते हैं तो हमें दिखता है कि अस्तित्व सहअस्तित्व है, पूरी प्रकृति व्यवस्था है और संबंध है ही, हर इकाई का हर दूसरी इकाई के साथ संबंध है ही। तो इससे हमारे कल्पनाशीलता पे प्रभाव पड़ता है, जिससे कल्पनाशीलता व्यवस्थित होती है। तो अगर इच्छा के स्तर पे देखें तो इमेजिंग है, चित्रण की क्रिया है, वो इससे व्यवस्थित होती है। इससे तुलन और विश्लेषण की क्रिया व्यवस्थित होती है, इससे चयन और आस्वादन की क्रिया व्यवस्थित होती है। तो इससे पहले जब तक चिंतन बोध अनुभव क्रिया जागृत नहीं है, हमारे चित्रण में मान्यताओं का या गलत संस्कारों का भी प्रभाव रहता है। परंतु एक बार चिंतन जागृत हो जाए, बोध जागृत हो जाए, सहअस्तित्व का अनुभव हो जाए, फिर हम उससे मुक्त होते हैं। अब हमारे अंदर जो भी इच्छा होती है वो संबंध के अर्थ में होती है, व्यवस्था के अर्थ में होती है, सहअस्तित्व के अर्थ में होती है। तो अगर मानव संबंध की बात करें तो मेरे अंदर हर बार यही इच्छा होती है कि कैसे मैं दूसरे मानव के साथ संबंध पूर्वक जीऊं, है ना। इसके अन्यथा होता नहीं है। अभी हमको प्रयास करना पड़ता है, अभी उसके लिए श्रम करना पड़ता है स्वयं में। तो दोनों ही प्रकार की इच्छाएं बनी रहती है, संबंध की भी विरोध की भी। सुख का स्रोत कभी बाहर लगता है, कभी स्वयं में लगता है, तो एक द्वंद्व की स्थिति रहती है। इस जागृति के साथ हम उसे निकल पाते हैं, ये उपलब्धि है जी। यानी तो पहले की अगर स्थिति देखें, जागृति से पहले, ज्ञान से पहले, तो कुछ ऐसी स्थिति दिखाई देती है। कल्पनाशीलता में देखें तो चित्रण की क्रिया हो तो रही है बट अनगाइडेड है, विश्लेषण क्रिया हो रही है अनगाइडेड है, उसका तुलन की क्रिया भी हो रही है वो भी अनगाइडेड है, चयन आस्वादन हो रहा है वो भी अनगाइडेड है, और ये संवेदना या मान्यता के प्रभाव में हो रहा है, आंशिक रूप से कभी कभी सहज स्वीकृति के आधार पर भी हो रहा है। तो यहाँ पे एक परतंत्रता की स्थिति दिखाई देती है। परतंत्रता मतलब कुछ बाहर है जो हमारे कल्पनाशीलता के को मिसगाइड कर रहा है, डिक्टेट कर रहा है। और बाहर क्या है, शरीर से मिलने वाली कोई संवेदना या दूसरे से मिलने वाला कोई अनुकूल भाव जिस पर हम निर्भर है। मेरी इच्छा स्वयं अपनी नहीं है, जो आस्वादन की आशा बनी हुई है वो आस्वादन स्वयं से पूरी नहीं हो रही, इसलिए बाहर भागना पड़ता है, तो अनगाइडेड रहती है। तो अगर इस स्थिति में विचार को देखें तो विचार में दिखाई देता है कि जो तुलन की क्रिया हो रही है वो प्रिय हित और लाभ इससे अनियंत्रित है। तो प्रिय मतलब जो अनुकूल संवेदना मिल जाए, हित मतलब शरीर को अधिक से अधिक पोषण संरक्षण मिल जाए, और लाभ मतलब विनिमय में दूसरे से मुझे अधिक से अधिक वस्तु मिल जाए। और यही जब दृष्टि बनी रहती है और अनियंत्रित होती है और हम स्वयं के जांचे परखे नहीं, सजगता न रखें, तो इसका अनियंत्रण बढ़ता जाता है, फिर एक उन्माद की स्थिति बन जाती है। जो प्रिय की दृष्टि है अनियंत्रित होकर कामोन्माद में चली जाती है, जो हित की दृष्टि है अनियंत्रित होकर भोगोन्माद में चली जाती है, जो लाभ की दृष्टि है अनियंत्रित होकर लाभोन्माद में चली जाती है। तो अभी समाज में ये तीनों तरह के उन्माद दिखाई देते हैं। तो अनुकूल संवेदना के लिए बहुत सारे उद्योग चल रहे हैं, अनुकूल संवेदना को अधिक से अधिक बढ़ाने के लिए बहुत सारा सुविधा संग्रह शोषण किया जा रहा है। वैसे शरीर को अधिक से अधिक पोषण संरक्षण के लिए बहुत सारी सुविधाओं का प्रयोग किया जा रहा है, इसकी आवश्यकता नहीं है।
इन चीजों को समझने से ये होता है कि हम अपना मूल्यांकन कर पाते हैं, हमको अपने मूल्यांकन के लिए सटीक बिंदु मिल जाते हैं कि कहीं हम तो कुछ ऐसी गलती नहीं कर रहे, कहीं हमारे आचरण में हमारे भाव विचार में ऐसा तो नहीं चल रहा। वैसे लाभ को देखें तो कितना लाभ कमाना है निश्चित नहीं होने का लाभ का एक उन्माद बन गया, और उस लाभ के उन्माद में बहुत सारे करप्ट प्रैक्टिसेस, गलत अभ्यास ये सब शुरू हो गए। तभी समाज की स्थिति को देखें तो ये सब चीजें दिखाई देती, अगर स्वयं में भी देखें तो ये दिखाई देगा। उन्माद की मात्रा कम ज्यादा हो सकती है, परंतु जब तक सुख का स्रोत स्वयं में नहीं दिखाई देता तब तक हम सुख के लिए बाहर जाते ही हैं, और सुख के लिए अगर हम बाहर भागते हैं तो उसमें ये अनियंत्रण दिखाई देता है। तो प्रिय की दृष्टि के लिए अगर हम देखें तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन सब से सुख पाने के लिए प्रयासरत रहते हैं। ये भी अपने को लगता रहता है कि इससे सुख की निरंतरता नहीं होगी, परंतु जब तक सुख का स्रोत स्वयं में नहीं दिखाई देता तो हमको बाध्यता लगती है इन पर सुख के लिए निर्भर होने की, यहाँ फंसे रहते हैं। वैसे जितनी सुविधा से शरीर को पोषण मिल सकता है उससे बहुत ज्यादा सुविधा जुटाने में लगे रहते हैं, जितनी सुविधा से शरीर को संरक्षण मिल सकता है उससे बहुत ज्यादा सुविधा जुटाने में लगे रहते हैं कि नहीं। और व्यवसाय करते हैं, विनिमय करते हैं तो दृष्टि पूरी लाभ की रहती है, कभी कभी लाभ कमा लें, कितना लाभ कमा लें निश्चित नहीं है। तो स्वयं में भी देखें तो ये दिखाई देगा, समाज में देखते हैं समाज में भी दिखाई देता है, परंतु भी समाज को देखने से पहले स्वयं में देखना जरूरी है। स्वयं में जब देखते हैं इसको और ये स्थिति दिखाई देती है तो उसके पीछे जो संस्कार हैं वो भी दिखाई देते हैं, और जो हमारी स्थिति है ना, जो हमारी बाध्यता है वो भी समझ में आती है कैसे क्यों है। अब अगर समाज में हमें अपराध को रोकना हो, जो कामोन्माद, लाभोन्माद, भोगोन्माद से जनित अपराध है, तो हम कई तरह के नियम बना सकते हैं दूसरों के लिए, है ना, दूसरों को ऐसा दंड दिया जाए, वैसा दंड दिया जाए, इस प्रकार से नियंत्रित किया जाए, उस प्रकार से नियंत्रित किया जाए, परंतु जब हम स्वयं में भी देखते हैं इन चीजों को तो हमें दूसरे की स्थिति भी समझ में आती है, इससे हमारे अंदर भाव भी पुष्ट होता है कि देखो मेरी चाहना इसकी नहीं है, परंतु जब तक मुझे सुख का स्रोत स्वयं में ना दिखाई दे मैं बाध्य हूँ, इसके लिए बाध्य महसूस करता हूँ। यही बात मुझे दूसरे के बारे में दिखाई देगी, दूसरे की चाहना भी ऐसी नहीं है, पर दूसरे को जब तक स्वयं में सुख का स्रोत ना दिखाई दे, चिंतन, बोध, अनुभव की क्रिया जागृत ना हो, दूसरा भी इसके लिए बाध्य हो जाता है। तो फिर इन चीजों को ऑब्जर्व करने से स्वयं में जो समाज के दूसरे व्यक्ति हैं उनके प्रति हमारे अंदर कोई विरोध का भाव नहीं आता, परंतु एक करुणा का भाव आता है ना, प्रेम का भाव आता है, स्नेह का भाव आता है कि कैसे उनका सहयोग किया जाए। तो कल्पनाशीलता में इन भावों को भी हम चित्रित कर पाते हैं कि देखो जब तक मनुष्य अपने आप को शरीर मानकर जी रहा है तो शारीरिक संवेदना से सुख लेने में लगा ही रहेगा, है ना। जब तक सुविधा को सुख मानकर जी रहा है तो सुविधा से पोषण संरक्षण करने के लिए अधिक से अधिक संग्रह के लिए लगा ही रहेगा। जब तक सुविधा को संबंध से ऊपर देख रहा है तब तक जब भी विनिमय करेगा सुविधा को ही केंद्र में रखेगा, संबंध को नहीं। ये हमें दूसरे की स्थिति भी स्पष्ट होती है जी। इतनी बात को लेकर यदि किन्हीं का कोई प्रश्न हो तो हैंड रेज कर सकते हैं। आपके लिए कंटेंट तो सारा शेयर हो गया है ग्रुप पर जी, बताएं। हाँ भैया, कंटेंट आ गया, थैंक यू उसके लिए। भैया एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड था कि जब हम लोग वो 7 स्टेप्स वाली प्रैक्टिस करते हैं, अभी मैंने एक UHV का एक वो वर्कशॉप की है 7 दिन की, सिर्फ एक ही की है, तो उसमें ये 7 स्टेप्स की प्रैक्टिस करवाई थी भानु भैया ने। तो मेरे को ये पूछना था कि मतलब हम में से बहुत सारे लोगों की शेयरिंग थी कि क्या क्या विचार उसमें आ रहे जब विचारों को ऑब्जर्व करते हैं, तो मेनली या तो वो आशा से रिलेटेड थे या वो चित्रण से ही रिलेटेड थे, उसमें कहीं इच्छा वाला पार्ट था ही नहीं। या तो हम किसी से एक्सपेक्टेशन हमारी गलत हो जा रही थी, किसी के प्रति विरोध का भाव आ रहा था तो उसको हम लोग ठीक कर रहे थे, तो वो प्रैक्टिस जो है मेनली वो चित्रण को सही करने के लिए ही है क्या? देखिए चित्रण इच्छा में ही है, तो ऐसा नहीं कि इच्छा से नहीं दिख रहा था, अगर चित्रण में दिख रहा है तो इच्छा से ही आ रहा है। तो हमारे अंदर जो भी भाव विचार चल रहा है उसको हमको एक तो देखना है, और देखना है कि उसमें सुख की आशा कहाँ से लगी हुई है, तो उसको हम लोगों ने यहाँ भी विधिवत किया जी। तो एक बार अपना प्रश्न फिर से स्पष्ट कर दें, क्योंकि चित्रण तो इच्छा में ही है, अगर आपको लग रहा है कि चित्रण से आ रहा है मुझे दिख रहा है, चित्रण तो इच्छा में ही है।
मेरा क्वेश्चन ये था भैया कि जो हम वो 7 स्टेप्स वाली प्रैक्टिस करते हैं, या तो उसमें हम लोग मतलब उसमें हम ऊपर की तरफ जा ही नहीं पाते, चित्त हो गया या मतलब वो चित्त क्या बुद्धि हो गया या आत्मा बोध वाले मतलब उसमें उस वाले पार्ट में को तो हम लोग बिल्कुल अभी देख ही नहीं पाते है ना, तो वो आशा चित्रण वाला पार्ट भी बहुत कम ही होता है, आशा वाला ही होता है हाँ वो तो ठीक है। तो एक्सपेक्टेशन। जैसे हम लोग अभी अभ्यास एक करते रहे, अपने भाव के प्रति सजग हुए, ये बात देखा कि वो भाव का निर्णय मैं ही लेता हूँ, परंतु उसके आधार में मान्यताएं दिखती हैं। संवेदना से सुखी होने की मान्यता, दूसरे से कुछ अनुकूल भाव पाकर सुखी होने की मान्यता, फिर उसमें हम परिमार्जन के लिए काम करते हैं, अपने आप से पूछते हैं। तो जो शिफ्ट मिलता हो यहाँ से मिलता है कि मेरी सहज स्वीकृति क्या है। ये स्टेप 6 में हम पूछते हैं पार्ट ए में कि मेरी सहज स्वीकृति क्या है। अगर वो मुझे स्पष्ट रूप से दिखाई देता है तो उसके चिंतन बोध अनुभव के लिए हम तत्पर होते हैं कि हाँ इसको अपने आप में सुनिश्चित करना है, इसको पूरा करना है। तो ऐसा हो सकता है 7 दिनों में बैठ के हमने जो अभ्यास किया अभी वो हमारी स्थिति नहीं बनी, तो ठीक है, उसके लिए और काम करेंगे, आगे ध्यान देंगे। और भैया एक क्वेश्चन ये भी था, जैसे हम लोग बोलते हैं कि प्रकृति में सिर्फ प्रकटन है, तो हम जो वर्कशॉप में बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं उसमें है ना बहुत सारी चीजें हम ऑटोमेटिक ही ऐसे बैठ के प्रैक्टिस नहीं करके हम चलते फिरते हमारे अंदर अपने आप ही सही हो जाती है, जैसे किसी पे चिल्ला रहे या गुस्सा करे तो वो अंदर ही आ जाता है कि नहीं ये आराम में नहीं है, बेचैनी हो रही, तो इसको ठीक करने की जरूरत है। वो उसी टाइम पे गुस्सा होने से पहले कभी कभी ठीक भी हो जाता है, किसी छोटे बच्चे को कुछ बोल रहे तो उससे पहले ही आ जाता है कि नहीं नहीं इस पे बुरा असर जाएगा, फिर ये बड़ा होगा तो वो इसके अंदर रह जाएगा तो चिल्लाना नहीं ऐसे करके, तो ये कभी कभी ये चीजें ऑटोमेटिक भी आ जाती है। और हम ये भी पढ़ते हैं कि प्रकृति में प्रगटन ही है, तो मतलब ये प्रैक्टिस ऐसे ऐसे भी लगता है कभी कभी, मतलब अच्छी भी लगती है आराम भी देती है, पर ऐसे भी लगता है कि मतलब जब अपने आप ही सब होना है तो हम बैठ के और ऐसे सोच के इस प्रैक्टिस को कितना कंटिन्यू कर पाएंगे, मतलब कितनी हेल्पफुल हो पाएगी। यहाँ पे जो चर्चा हुई उसमें भी इस तरह की भाषा उन्होंने नहीं प्रयोग की है, अस्तित्व में प्रकटन ही है या प्रकृति में प्रकटन ही है, परंतु इसका क्या अर्थ हो सकता है उसको हम लोग देख सकते हैं। तो देखिए ये बात अपने में स्वीकार होती है जब स्टेप 4 की बात कर रहे हैं अभ्यास एक में, कि मेरा भाव मेरा निर्णय है। तो अगर उसको देखें तो प्रकृति में चैतन्य इकाई में जो कुछ भी हो रहा है वो चैतन्य इकाई का ही निर्णय है। अब इसको आप प्रकटन कहें या ना कहें, है ना, ये आप देख सकते हैं, बट अल्टीमेटली आपका जो भाव है वो आपका निर्णय है। तो अपने आप हो रहा है ऐसा नहीं, आप में निर्णय हो रहा है उसका। तो ऐसा नहीं कि सामने कोई अगर अनुकूल संवेदना के लिए वस्तु आ जाए तो हमारे अंदर उसके से सुख पाने की आशा बनेगी ही नहीं, ऐसा नहीं है, वो आपके निर्णय से ही बनेगा। अगर आपको बात ध्यान में आती है कि नहीं ये निरंतर सुख का स्रोत नहीं हो सकता, तो नहीं बनेगा वो निर्णय, नहीं बनेगी वो आशा, वो चयन नहीं होगा उसके भोग का। अगर ये बात नहीं दिखती है तो ऐसा हो सकता है। तो प्रकटन को कहाँ प्लेस कर रहे हैं ये समझने की बात है, किसको कह रहे हैं प्रकटन, परंतु आपका भाव आपका निर्णय है ये बात अपने आप में दिखती है कि नहीं, इसको ऑब्जर्व करिए। आपकी कल्पनाशीलता में जो कुछ भी चल रहा है वो आपका निर्णय है, आप अपने सुख दुख के लिए 100% जिम्मेदार है, कोई अन्य व्यक्ति नहीं, कोई दूसरा वस्तु नहीं, ये जिम्मेदारी स्वीकारने की बात है। तभी हम इस बात को अपने आप में तय करते हैं कि मुझे अपने ऊपर काम करना है, और तभी हम दूसरों के प्रति शिकायत से मुक्त हो पाते हैं, तभी हम ये जो परतंत्रता है उससे बाहर निकलने का निर्णय कर पाते हैं। जी जी भैया, पर भैया वो क्वेश्चन ये था कि मतलब यहाँ पे तो हम कोशिश कर रहे हैं ना कि ऐसे तो हम लोग पहले भी कोशिश करते थे गुस्सा नहीं करना है या देखिए, ऐसा नहीं कह रहे, अभी रुकिए रुकिए, अभी आपको सारे स्टेप्स को एक बार ठीक से ध्यान से सुनना होगा। तो हम आपको ऐसा नहीं कह रहे हैं कि आपको गुस्सा नहीं करना है, आपको विरोध का भाव नहीं रखना है, हम तो आपसे पूछ रहे हैं, हम आपसे पूछ रहे हैं आप सुखी होना चाहते हैं कि नहीं, आप संबंध के भाव में जीना चाहते हैं या विरोध के भाव में जीना चाहते हैं। तो कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं है कि गुस्सा नहीं करना है ना, ना ऐसा कह रहे हैं कि आपके सुख दुख के लिए दूसरे जिम्मेदार हैं, या ऐसा कह रहे हैं कि आपका सुख दुख प्रकृति सहज ढंग से हो ही रहा है, नहीं, इसमें आपका निर्णय है। इन बातों को थोड़ा और गौर से ऑब्जर्व करना होगा। स्टेप 4 में जो बात कह रहे हैं कि मेरा निर्णय है, वो इम्पोर्टेंट है कि नहीं, वैसे ही स्टेप 6 में जो पूछ रहे हैं अपने आप से कि कौन सा भाव सहज रूप से स्वीकार है,
इसको ऑब्जर्व करना जरूरी है, अदरवाइज शिफ्टिंग नहीं होगी, फिर हम एक लंबा समय भी लगाएंगे, हमारे अंदर स्थितियां वही बनी रहेंगी और हम बाहर को उसके लिए जिम्मेदार मानते रहेंगे। हो सकता है हम पूरी प्रकृति को ही जिम्मेदार माने कि प्रकृति की बनावट ही ऐसी है, अभी मानव सभ्यता यही कर रही है ना, तो एक सीमा के बाद उसको अपराध कहते हैं, उसके पहले से जस्टिफाई करके चलते ही हैं कि हाँ भाई ये तो होगा ही, मानव है तो संवेदना सुख पाने में लगा ही रहेगा, सुविधा संग्रह में लगा ही रहेगा, ये तो होना ही है, उसको मानव स्वभाव भी कह देते हैं, वो एक सीमा से अधिक बढ़ता है तो अपराध कह देते हैं। इसलिए इससे कोई जीने में गुणात्मक परिवर्तन होता नहीं है, ठीक है। हाँ जी भैया, वो मतलब वही वही चीज एक बार पक्के होने की जरूरत है कि मेरे मेरे जो विचार है वो निर्णय पूर्वक मैं ही ले रही हूँ, कभी कभी ऐसे लगता है कि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं और मैं नहीं लेती हूँ, ऐसा भी लगता है कभी। हाँ, उसको ऑब्जर्व करिए, जहाँ आउट ऑफ कंट्रोल भी हो रहा है वहां कोई आपका पुराना संस्कार काम कर रहा है और संस्कार आपका ही बनाया हुआ है और संस्कार को आप ही पोषित कर रहे हैं अपने अंदर। अच्छा, मैं ही उसको पोषित कर रही हूँ, जी बिल्कुल तो मैं तो पर बिल्कुल, हटाने की कोशिश करती हूँ उसको, पर वो तो हटता नहीं है। क्योंकि उससे सुख की आशा लगी हुई है ना, आपको कभी तो विचार चलता है इसको हटाया जाए, है ना, क्योंकि मान लीजिए उससे कहीं पे दुख मिला, परंतु जो सुख मिल रहा था उसका क्या, वो क्यों छोड़ दे। तो फॉर एग्जाम्पल है ना, कहीं पार्टी में गए और ढेर सारा स्वीट रखा हुआ खाने के लिए, ठीक है, तो अगर हम सबके सामने ही खाना शुरू कर दिए तो लोगों ने कुछ देखना कहना शुरू कर दिया हमारे बारे में, तो लगा अपमान मिल रहा है, तो ये निर्णय हुआ कि ठीक है भाई सबके सामने नहीं खाना है, छुपा के तो खा ही सकते हैं, तो जो अनुकूल संवेदना पाकर सुखी होने का भाव बना हुआ है, यही है कि अब उसकी हमने विधि निकाली कि सबके सामने नहीं छुपा के खा लेंगे, तो अभी वो पूरा मूल्यांकित नहीं हुआ। तो फिर अगर हमको अपने आप में निर्णय लेना हो तो हम वो निर्णय उसी के पक्ष में लेते हैं। जी भैया, तो अभी थैंक हम यू वैसे ही भैया। करते हैं, जी। नमस्ते भैया। नमस्ते भैया, अभी जो ये चर्चा चल रही थी कि चैतन्य इकाई निर्णय स्वयं में लेती है, ये बात तो ठीक है कि चैतन्य इकाई निर्णय स्वयं में लेती है, लेकिन उसके निर्णय दो चीजों से प्रभावित है, एक तो वो संवेदना से जो बाहर से आ रही है और दूसरी अपनी जो नेचुरल एक्सेप्टेंस है उससे है। लेकिन अब इसमें एक दिशा है कि जिससे प्रिय हित लाभ से, जी भैया, प्रिय हित लाभ से वो आदमी सुखी नहीं हो पाएगा, उसको फिर बाद में तकलीफ होगी और उसको वापस इस रास्ते पे नेचुरल एक्सेप्टेंस के रास्ते पे आना ही पड़ेगा। तो एक ये इसमें दिशा दिखती है, ऐसा नहीं है कि उसका निर्णय जो है उसके ऊपर छोड़ दिया गया है, डिजाइन में ऐसा कुछ ऐसा दिखता ही है कि उसको इधर जाना ही है, उसको नेचुरल एक्सेप्टेंस की तरफ आना ही पड़ेगा, ऐसा ठीक है सोचना या इसमें और करेक्शन की आवश्यकता है? ये तो ठीक है, क्योंकि हम शून्य बने रहते हैं, नियंत्रित है, उसके अन्यथा कुछ भी करते हैं दुख भोगते हैं, बट एक सीमा तक हम दुख को जस्टिफाई किए रहते हैं, किसी पॉइंट पर जाकर हमको दुख अब लगता है कि असहनीय हो गया, अब इससे बाहर निकलना जरूरी है, उसके पहले हम दुख को जस्टिफाई किए रहते हैं। तो भैया एक दिशा तो है ना जागृति की तरफ, जी एक दिशा तो है ही है ना जागृति की तरफ, बिल्कुल है, वो अस्तित्व सहज है, परंतु अभी हमको उसमें सुख नहीं लगता, हाँ ये उधर नहीं उन्मुख होते हैं, जब सुख लगेगा तो उन्मुख हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक, थैंक यू भैया, जी बढ़िया भैया। जी भैया नमस्ते सभी को। नमस्ते भैया, अभी डिस्कशन से एक डिफरेंस जानना चाहता हूँ, डिजायर थॉट एक्सपेक्टेशन है, तो इसमें डिजायर और एक्सपेक्टेशन में एग्जैक्ट अंतर थोड़ा अपन डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमारे क्वालिफिकेशन में लिखा हुआ था AICT में एसेंशियल्स एंड डिजायरेबल, तो इन दोनों में कौन सा बड़ा है, थोड़ा सा डिस्कस करेंगे भैया। जी, एसेंशियल और डिजायरेबल जो वहां कह रहे हैं, हाँ, तो यहां सीधे से कोरिलेट ना करें, क्योंकि वहां तो अंग्रेजी का शब्द क्लोजेस्ट चुन के रख दिया गया। एक्सपेक्टेशन का मतलब है कि बाहर कुछ घटित हो जाए जिससे मैं सुखी हो जाऊं। अच्छा, तो मेरे बाहर जैसे शरीर मुझसे बाहर है ना, वहां से कोई अनुकूल संवेदना आ जाए जिससे मैं सुखी हो जाऊं, कोई दूसरे से अनुकूल भाव मिल जाए जिससे मैं सुखी हो जाऊं, जी एक्सपेक्टेशन के लेवल पे जीना है। जब इच्छा के स्तर पे जी रहे तो भाव प्रधान ढंग से जी रहे, तो वो भाव
सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, सहज भी हो सकता है, असहज भी हो सकता है, संबंध का भी हो सकता है, विरोध का भी हो सकता है, ठीक है ना। परंतु प्रधानता भाव की, तो विरोध के भाव को लेकर ही हमने पूरे जीने को अपना बदल दिया, उसके लिए बहुत सारी प्रतिकूल संवेदनाएं भी ले रहे हैं, परंतु विरोध का भाव पीछे काम कर रहा है। तो उस विरोध के भाव के लिए हम शरीर के लिए भी बहुत सारा कष्ट सहने को तैयार है, बहुत सारे है ना प्रतिकूल घटनाओं से गुजरने को तैयार है, परंतु विरोध का भाव अंदर बना हुआ है। तो इच्छा के स्तर पे है तो वो भाव की प्रधानता है, अगर यहाँ पे आशा के स्तर पे है तो आस्वादन की प्रधानता है, विचार के स्तर पे है तो विचार की प्रधानता है, तो विश्लेषण करके तुलन करके हम अपने आप को सेटिस्फाई करने का प्रयास कर रहे हैं, सुखी होने का प्रयास कर रहे हैं। ये तो अपने में देखने की बात है कि हम कहाँ खड़े हैं। जी जी, तो भैया अपन होता है इच्छा में सही भाव होता है तो संबंध के भाव की प्रधानता होती है, नहीं तो विरोध के भाव की प्रधानता होती है। अच्छा, मतलब इच्छा में सही भी इच्छा रह सकती है और गलत भी इच्छा रह सकती है, और क्या, बराबर है, लेकिन एक्सपेक्टेशन में ऐसा नहीं होता, ऐसा अपना मतलब अभी ये डिस्कशन चल रहा है, बराबर है ना भैया। एक्सपेक्टेशन में भी सही गलत दोनों हो सकता है, परंतु अगर ऊपर की क्रिया जागृत नहीं हुई है और सिर्फ एक्सपेक्टेशन के लेवल पे जी रहे हैं तो कुछ बाहर से पाकर सुखी होने में लगे ही रहेंगे, है ना, तो परतंत्र तो बने ही रहेंगे। जब हम जागृत होते हैं चिंतन बोध अनुभव में, उसके बाद ही एक्सपेक्टेशन क्रिया बनी रहती है, परंतु स्रोत अब बाहर नहीं रहा, भीतर हो गया, क्रिया वही है, वस्तु बदल गई। अच्छा। जो बाहर से अनुकूल संवेदना पाकर सुखी होने में लगे थे, अब बाहर से अनुकूल संवेदना या प्रतिकूल संवेदना आती है, उससे हम बाहर की वस्तु का आकलन करते हैं। अच्छा अच्छा, मतलब ये जो मानवीय स्वभाव है कि जैसे आपने पिछले बार भी एक एग्जांपल दिया था कि प्रमोशन के बारे में बताया था कि हर आदमी चाहता है कि मेरा प्रमोशन हो जाए, लेकिन साथ में उसका पीएचडी भी हो जाए तो ये मतलब पीएचडी के बिना प्रोफेसर नहीं बन सकते, तो ये कैसा इच्छा बोलेंगे इसे कि एक्सपेक्टेशन बोलेंगे, पीएचडी करना इच्छा हो गई तो फिर प्रोफेसर बनना एक्सपेक्टेशन हो गया, ऐसा मान सकते भैया। देखिए इसमें अगर एनालाइज करें तो मूल इच्छा तो सुखी होने की है। हाँ हाँ, ये तो बिल्कुल बिल्कुल सही है, समृद्ध होने की है। हाँ हाँ, फिर वो जो बाहर से सूचना मिल रही है उससे एक बात निकल कर आती है विचार में कि ये अगर प्रमोशन होगा है ना तभी हमारा इंक्रीमेंट होगा, इंक्रीमेंट होगा तो सैलरी बढ़ेगी, सुविधा बढ़ेगी भैया, अल्टीमेटली गोल वही जाता है। तो फिर हमारे चित्रण में जो काम कर रहा है वो ये काम कर रहा है, इच्छा के स्तर पर जो काम हो रहा है वो ये हो रहा है कि हमको अगर सुखी होना है तो उसके लिए प्रमोशन पाना जरूरी है, समृद्ध होना है तो प्रमोशन पाना जरूरी है, ये हमारे मानने में आ गया। ऐसा निश्चित नहीं है कि ऐसा हो ही, है ना, परंतु ये हमारे मानने में आ गया जी। अब उसके लगता है कि प्रमोशन के लिए पीएचडी की डिग्री की जरूरत है, बिल्कुल, तो उसमें दोनों काम हो सकता है, या तो हम पीएचडी की डिग्री को पाने के लिए अपने अंदर चित्रित करेंगे मुझे क्या क्या तैयारी करनी है जी, है ना, तो उसके लिए मुझे अभी इस प्रायोरिटी से उस प्रायोरिटी पे शिफ्ट होना है, हो सकता है कॉलेज में बहुत सारे क्लरिकल जॉब्स ही करता हूँ, बहुत सारे डिपार्टमेंटल लगाना है, समय मुझे अपना पीएचडी लगाना है, ध्यान देना है, उन सब चीजों को किसी दूसरे पे भी छोड़ देना है, तो ये सारा हमारे चित्रण और विश्लेषण में चल रहा होगा, ठीक है ना। अगर सिर्फ आशा के स्तर पे होगा तो हम ये सोचें कि काश मुझे पीएचडी मिल जाती, ये देखो ये बंदे को इंक्रीमेंट मिल गया है, बैठे अपने आप ही मुझे पीएचडी मिल जाए और ये हो जाए, सब कुछ हो जाए, ना तो हम विश्लेषण कर पा रहे ना हम चित्रण कर पा रहे, काश ऐसा हो जाता जी 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 जी, है ना, काश यहाँ पे फिर हम देखना शुरू करते हैं। और आपको पता ही होगा कि आजकल तो बच्चे ऐसे स्टार्टअप्स भी लेकर आ रहे हैं, भैया आप अपने ऑफिस में बैठे काम करिए, वो पीएचडी का काम करेंगे आपके लिए। बढ़िया, शुरू करते हैं कि भाई ऐसे स्टार्टअप्स कहाँ कहाँ है, गूगल करो भाई, निकालो कहाँ ऐसे स्टार्टअप, मेल भी आना चालू कर दे, हम आपकी पीएचडी करा देंगे, हम आपका थीसिस लिख देंगे, सभी सभी शुरू। जी जी भैया, नमस्ते नमस्ते, बहुत बढ़िया रहा भैया जी, बढ़िया बढ़िया, बाय। आत्महत्या और इच्छा मृत्यु में क्या फर्क है, इसमें बॉडी नष्ट होती है लेकिन मैं का क्या होता है। देखिए अब क्या है, ये सब बहुत सारी चीजें हमने है ना बहुत सारी सूचनाएं हैं हमारे पास, अभी अपने आप में देखें तो ज्यादा अच्छा है। तो बेसिकली हम सुखी होना चाहते हैं, ठीक है,
अगर हमें लगे कि सुखी होने की कोई संभावना नहीं बची है, और जब तक ये शरीर है अपमान मिलता रहेगा, जब तक ये शरीर है इसके लिए सुविधा जुटाने के लिए मुझे दुख भोगना पड़ेगा, तो हम ये सोचते हैं कि भाई शरीर छूटने के बाद क्या मिलेगा पता नहीं, जब तक ये शरीर है तब तक तो मुझे दुख मिलेगा ही, तो शरीर को छोड़ने का निर्णय लेते हैं, है ना, उसी को हम आत्महत्या कहते हैं। बट यदि इच्छा मृत्यु को देखें तो जैसा परंपरा में कहा गया है ना, जो भीष्म के लिए कहा गया, तो उनके अंदर एक जिम्मेदारी का भाव था कि मुझे अपने लोगों को सुरक्षित संरक्षित करना है तभी शरीर छोड़ना है, तो एक दूसरी स्थिति है। जी बढ़िया, इस पे और यदि कोई प्रश्न हो तो हम लोग आगे चलते हैं। जी भैया नेक्स्ट। सर नमस्ते। नमस्ते, मेरा प्रश्न है कि सर हम तो आशा पर, आशाओं से ही तो हम आगे बढ़ते, जैसे बॉडी को प्यास लगी तो उसने आशा करी और ये परिकल्पना के स्लिप हो जाते हैं। आशा किसमें हुई, बॉडी में या आप में? सर आंसर तो यही मिल रहा है कि उसमें हुई, सेल्फ में। तो उसमें कैसे हुआ, फिर तो आप में हुआ ना। तो सर प्यास तो, खुशी तो बॉडी को मिली पानी पी के, उसकी इच्छा पूरी हुई। अभी रुकिए, ऐसे नहीं चलेगा भाई, आप लोग सुनते नहीं है ध्यान से, कैसे काम चलेगा। इच्छा बॉडी में कहाँ से हो गई, खुशी बॉडी अच्छा। कैसे मिली, नहीं ये थोड़ा शार्पनेस बढ़ाना पड़ेगा ना, नहीं तो ऐसे कैसे चलेगा बताइए। इतनी बात हम लोग कर चुके हैं, मैं और शरीर को लेकर, मैं की सारी क्रियाओं को लेकर, और आपको तो वो सेंसेशन है बॉडी में, सेंसेशन है सर। हाँ बॉडी में क्रिया हो रही है उसकी सूचना आप तक मिल रही है। बॉडी में क्रिया हो रही है उसकी सूचना मिल रही है, जिससे हमने बॉडी के उस फिजियोकेमिकल को पूरा करने के लिए सेल्फ ने वो एक निर्णय लिया। हाँ ठीक है सर। ठीक है जी सर, बिल्कुल क्लियर होगा। अभी नहीं क्लियर हुआ, फिर कंफ्यूजन। अभी रुक रुक, अभी क्लियर नहीं हुआ, फिर कंफ्यूजन होगा। तो इसको इत्मीनान से बैठकर, और जो होमवर्क दिया जा रहा है उसको करें, है ना, उसको नोटबुक में नोट करें, लिखें। अदरवाइज सब अगर इस तरह के स्लिपेज होंगे, कभी भी हमको लगता है कि इच्छा शरीर में हो रही है ना, ऐसा लगता है विचार शरीर में चल रहा है, तो कैसे काम चलेगा। अभी तो हम लोग सेल्फ की हायर एक्टिविटीज की बात कर रहे हैं, और भी आप लोअर एक्टिविटीज अगर हमको क्लियर ना हो तो कैसे काम चलेगा। सर बार बार स्लिप हो जाते हैं। नहीं नहीं, अभी अभी आप क्या कर रही हैं इसको सुनते हुए जी, तो उसको अभी बैठ के इत्मीनान से सुने, है ना, नहीं तो ध्यान नहीं जाएगा इस पे, तो शब्द भी ठीक से हम सुन नहीं पाते, फिर उसके बाद अर्थ पे तो ध्यान जाएगा ही नहीं, कि नहीं। बढ़िया बढ़िया जी। नमस्ते भैया। नमस्ते। हाँ भैया, दो प्रश्न थे मेरे। पहला ये है कि रिय हित लाभ की जो दृष्टि है, और न्याय धर्म सत्य की जो दृष्टि है, और ये जो सेल्फ की हायर एक्टिविटीज के साथ कनेक्टेड है, और वो नीचे जो चित्रण तक की जो कनेक्ट, वो प्रिय हित लाभ से है। तो भैया इसमें भी हम ऐसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, जो प्रिय है वो मन के तल पर है, मतलब आस्वादन और चयन के तल पर है, आशा के तल पर। हित है वो कहीं विचार, और लाभ जो है या पूरा ही फैलेगा भैया, तीनों के अंदर ही फैलेगा। ऐसे ही न्याय धर्म सत्य को भी हम, न्याय धर्म सत्य को भी हम चिंतन बोध और अनुभव से कनेक्ट कर सकते हैं भैया। लेकिन न्याय धर्म सत्य का तो ठीक है कि न्याय जो है वो चिंतन से जुड़ा हुआ है, ना, धर्म जो है वो बोध से जुड़ा हुआ है, सत्य जो है वो अनुभव से जुड़ा हुआ है, यहाँ तक तो ठीक है। परंतु ये जो दृष्टियां ये विचार में है, तो संवेदना को लेकर जो विचार कर रहे हैं वो प्रिय के अर्थ में, अगर संवेदना केंद्र में, संवेदना सुखी होने का विचार कर रहे हैं। अगर शरीर को केंद्र में रखकर विचार कर रहे हैं, शरीर सापेक्ष विचार चल रहा है, तो वो हित की दृष्टि में है, और यदि सुविधा को केंद्र में रखकर विचार कर रहे हैं तो लाभ की दृष्टि है। जी हाँ भैया। हाँ, क्योंकि मैं भी थोड़ा ऐसी इन तीनों में डिफरेंस देख रहा था कि ये सब अलग अलग जगह कनेक्ट हो रहा। नहीं अभी देखिए, मैंने वो बात नहीं कही जो आप कह रहे हैं, इसको हम कनेक्ट करेंगे। नहीं, हाँ, नहीं नहीं, हाँ नहीं, मेरी बात कनेक्ट नहीं है, केंद्र में क्या है ये देखने की बात है। केंद्र में संवेदना है, सुविधा है, या शरीर है? शरीर, शरीर। जी भैया ठीक बात है भैया। तो किसी के लिए लाभ की दृष्टि ज्यादा डोमिनेंट हो सकती है, किसी के लिए हित की दृष्टि ज्यादा डोमिनेंट हो सकती है, किसी के लिए प्रिय की दृष्टि ज्यादा डोमिनेंट हो सकती है।
जी 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 भैया। और भैया सेकंड ये था कि जो न्याय की दृष्टि है या धर्म और सत्य की बात अभी नहीं रख रहा हूँ, तो आपने इस पे काफी डिटेलिंग की है पहले भी और कल भी काफी चर्चा हुई थी, कल भी मेरा क्वेश्चन बना था लेकिन टाइम हो गया था। तो भैया जैसे कई बार हमारे सामने स्थिति दो व्यक्ति हैं, निर्णय दो व्यक्ति या दो घटनाएं या दो स्थितियां हैं और निर्णय हमें लेना है, तो न्याय के साथ लेते हैं तो एक व्यक्ति जो प्रभावित होता है उसके संबंध पर प्रभाव पड़ता है जिसके पक्ष में नहीं है, और जिसके पक्ष में है वो संबंध पर थोड़ा ठीक होता है। तो ये थोड़ा सा भैया और डिटेलिंग अगर आप करें कुछ एग्जांपल्स के साथ न्याय धर्म सत्य की दृष्टि पे। वही तो दृष्टि हमारी न्याय की है, हम तो जो भी कर रहे हैं वो सुख के अर्थ में कर रहे हैं, अगला उसको देख पा रहा नहीं देख पा रहा एक अलग मुद्दा है जी। तो हम जो निर्णय कर रहे हैं उसमें हमारा भाव यही है कि दोनों में सुख सुनिश्चित हो, तभी में सुख सुनिश्चित हो, ठीक है ना। परंतु हो सकता है कि जो एक पक्ष से दुखी हुआ एक पक्ष से सुखी हुआ, दोनों में ही समझ का भाव है। दृष्टि दोनों की जो बनी हुई है प्रीहित लाभ की बनी हुई है, एक को लाभ हो गया दूसरे को हानि हो गई, तो कहीं बंटवारा हो रहा है जमीन का एक टुकड़ा उसको मिल गया इसको नहीं मिला, है ना। इसका हटता कि मुझे मिले उसका हटता कि उसको मिले, अब किसी को तो मिलना था तो हमने एक निर्णय लिया, एक को लाभ हो गया एक को हानि हो गया, एक उससे एक्साइटेड हो गया एक उससे डिप्रेस्ड हो गया। बट इसमें अगर आप देखें तो हैप्पीनेस कॉन्टिन्यूटी दोनों तरफ ही नहीं होगी, तो हाँ। हम यहाँ हमको निर्णय लेना वहां तो हम निर्णय लेंगे, ठीक है। और निर्णय के लेने के पहले उसके पूरा जो उसके पीछे विश्लेषण उसको स्पष्ट करेंगे, अगला व्यक्ति अगर एक्सप्लोर कर पाएगा तो मेरे निर्णय से प्रसन्न होगा, आराम पाएगा, है ना। अगर ये तो कई बार होता भी है, जैसे परिवार में भी हमें कोई निर्णय लेना है हम उसके पूरे बैकग्राउंड को पहले एक्सप्लेन करें ये सिचुएशन है, और अगले को एक्सप्लोर करने दें क्या बताइए आपके अनुसार उचित क्या लगता है, तो अगला व्यक्ति खुद ही कह देता है यहाँ ये ठीक है ये ठीक नहीं है। जैसे कई बार बच्चे परफॉर्म करते हैं एग्जामिनेशन में या वाइवा में और नहीं प्रश्न को उत्तर दे पाते हैं, तो उनसे खुद ही पूछ लीजिए कि आप बताओ 10 में तुमको कितने मार्क्स मिले, क्या डिजर्व करते हो आप इसके बेसिस पे, तो खुद ही कहता है सर 4 नंबर से ऊपर मत दीजिएगा। तो अगर आप पहले ही 4 नंबर दे देते तो दुखी होता, उससे पूछ लिया हमने भाई तुम बताओ तुम्हारे अनुसार सही निर्णय क्या होगा, वो खुद ही कह रहा है 4 नंबर दे दीजिए, ठीक है दे दिया हमने 4 में 5 का कि चलो भाई ठीक है तुमने अपना मूल्यांकन ठीक किया आगे से तो मेहनत करना 5 नंबर दे दिया। तो हम जब न्याय भी कर रहे हैं तो दूसरे को हम एक्सप्लोर करने दे रहे हैं कि नहीं, ये महत्वपूर्ण है। हम जजमेंट दे रहे हैं या हम दूसरे में एक्सप्लोर करने के लिए अवसर दे रहे हैं। इनफैक्ट ज्यादा अच्छा हुआ कि जहाँ दो पक्षों के बीच में मुझे न्याय करना पड़ रहा है, ये दोनों पक्ष आपस में एक दूसरे के साथ न्याय करें, हम ये कह सकते हैं कि भाई है ना मैं फैसिलिटेट करता हूँ आप दोनों आपस में डायलॉग कर लीजिए और दोनों एक्सप्लोर करिए इस चीज को जी, ये बिल्कुल संभव है। हाँ, हाँ। ये भी हमें दिखता है कि अल्टीमेटली कोई सुविधा पालने से कोई अनुकूल संवेदना पालने से है ना, या शरीर ये के लिए कुछ भोग की वस्तु पालने से ये कोई सुख निरंतरता नहीं होगी, कोई मार्क्स पालने से सुख निरंतरता नहीं होगी, तो उस समय जो निर्णय करना बनता है वो हम कर पाते हैं। जितना जितना हम सेल्फ एक्सप्लोर करने का अवसर देते हैं उतना उतना न्याय की संभावना बढ़ जाती है। हम भले ही सही निर्णय ले रहे हैं, जैसे हमने बच्चे से कहा कि भाई अभी मोबाइल नहीं देखना है बंद करो, रात को 10 बज गए हैं, ठीक हमने डिक्टेट कर दिया हमने ऑर्डर कर दिया कि बंद करो, हम बात सही कह रहे हैं उसके सुख के अर्थ में कह रहे हैं उसके स्वास्थ्य के अर्थ में कह रहे हैं, बट अगले को हमने एक्सप्लोर नहीं करने दिया तो अगला हमारे व्यवहार से दुखी हो सकता है, तो न्याय नहीं सुनिश्चित होगा वहां पे। बट यदि हम बच्चे को खुद ही जांचने दें तुम बताओ कि अभी आप 10 बजे रात को मोबाइल देख रहे हो, सोओगे कब, उठोगे कब, उससे है ना जो दिनचर्या है कैसी होगी, स्वास्थ्य कैसा बनेगा, फिर उससे तुम्हारे संबंधों पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तुम्हारे शरीर पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तुम्हारे आगे के जीने पे क्या प्रभाव पड़ेगा, उसको एक्सप्लोर करने दे, वो खुद ही इस निर्णय पर पहुंच जाएगा कि कब सोना है कब उठना है, मोबाइल कब देखना नहीं देखना है, कितना देखना नहीं देखना, वो खुद ही इस निर्णय पर पहुंच जाएगा, हमें डिक्टेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जी भैया। हाँ भैया, लेकिन ये जब स्थिति थोड़ी सी डिफरेंट होती ना, एक हमारा संबंधी है और एक हमारा संबंधी मतलब उस तरह से संबंधी नहीं जिसे हम मान के बैठे हैं, बाकी बात ये चर्चा चल रही है वो मैं समझ पा रहा हूँ भैया संबंध के भाव को सबके साथ में, लेकिन जो टिपिकल सिचुएशन बनती है और हमारे संबंधी इस प्रोसेस में या समझने में नहीं है, तो जब हम न्याय की बात करते हैं और वो जब दिख रहा है कि
संबंधी गलत है और जो व्यक्ति जिनके हमारा कोई डायरेक्ट संबंध नहीं है किसी संपर्क की वजह से हमारे उसमें है, और उनके पक्ष में जब हम बात रखते पक्ष में मतलब न्याय के साथ हम रखते हैं कि वहां पे ये ठीक है, तो हमारा संबंधी उसमें बहुत ज्यादा नाराज होता और बोलता कि वो क्या मेरे बराबर हैं, या उस तरह की भाव उसमें विरोध के भाव और फिर उसके बाद नेगेटिविटी आने लगती है। तो वहां पर थोड़ा सा अपनी बात को और फैला के रख मतलब समझाने की बात करते हैं तो सुनने को तैयार नहीं होते, तो वहां थोड़ी सी डिफिकल्टी आती है। तो ये मैंने इसका तो रिस्पॉन्ड कर दिया ना कि आपने उनको एक्सप्लोर नहीं करने दिया, आपने एक जजमेंट दे दिया जिससे वो सहमत नहीं हो रहे। नहीं भैया, एक्सप्लोर करने दिया, पूरी बात को फैला के रखते हैं, लेकिन क्योंकि उनके अंदर ये नहीं बन रहा है, रवि वो अपने प्रिय की दृष्टि से बाहर ही नहीं आ पा रहे, पूरी तरह से उसी में उलझे हुए हैं, तो वो फिर थोड़ा संबंध पर प्रभाव पड़ने लगता है। तो वहां फिर या तो आपको साइलेंट रहना पड़ता है, या फिर जो संबंध पर प्रभाव है वो जो हो रहा है ठीक है, हमारी हारमोनी बनी रहे, लेकिन वो उससे नेगेटिवली प्रभावित हो रहा है तो उसको भी एक समय देना पड़ता है। देखिए अभी हमें संबंध ना कुछ लिमिटेड लोगों के साथ दिखाई देता है, जब बाहरी के संबंध दिखाई देता है तो फिर हम तो संबंध के अर्थ में ही निर्णय लेंगे, अगले को जांचने समझने का अवसर भी देंगे, सामयिक रूप से रिएक्शन हो सकता है अगले व्यक्ति के साथ, बट अगला व्यक्ति जब आपके बारे में बात करता है ना तो कहता है अपने आप को तो बड़ा धर्मनिष्ठ मानता है, बड़ा महात्मा मानता है, देखो कैसे जजमेंट देता है, ठीक। तो अल्टीमेटली आपका तो वो श्रेष्ठता को स्वीकार पा रहा है, और यदि आप उसके हित के पक्ष में उसके प्रिय के पक्ष में निर्णय लेते हैं तो आपको अपने जैसा मानता है कि देखो जैसे मैं इनसे प्रभावित हूँ संवेदनाओं से मान्यताओं से वैसे ये भी है, तो हम तो सही निर्णय लेंगे, अगले को एक्सप्लोर भी करने देंगे, सामयिक रूप से अगला व्यक्ति दुखी परेशान हो सकता है बट हमारी श्रेष्ठता को स्वीकार लेता है। हाँ भैया, मतलब वही टाइम के साथ थोड़ा सा समय तो लगता है उसमें। जी जी ठीक है भैया, ठीक, थैंक यू। बढ़िया भैया, हाँ जी नमस्कार। हाँ भैया, गुड मॉर्निंग। अभी जो आपने वाइवा में प्रश्न लेने की बात की तो उससे मुझे एक बात याद आ गई, मेरा जो वाइवा लेने का स्टाइल है स्टूडेंट का वो बहुत ही अलग है। मैं MJP रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी देहरादून पांच यूनिवर्सिटी में एग्जामिनर हूँ। प्रैक्टिकल एग्जाम लेने जब मैं जाता हूँ तो मैंने देखा कि कई बार तो कुछ टीचर इस तरह से वाइवा लेते जैसे इट इज ऑलमोस्ट लाइक रैगिंग सेशन, लेकिन मैं जब वाइवा लेता हूँ तो पहले मैं सवाल पूछता हूँ और स्टूडेंट यदि जवाब ना दे तो मैं उसका जवाब दे देता हूँ। फिर ये कि सवाल रिपीट भी नहीं होना चाहिए क्योंकि वो चार पांच स्टूडेंट जब बाहर निकलते हैं तो बाकी स्टूडेंट पूछते हैं कि अंदर सर क्या पूछ रहे हैं, तो मैं ये करता हूँ कि हर स्टूडेंट को अलग अलग सवाल पूछ के उनके जवाब भी बताता हूँ और इस तरह से पूरा की पूरा सब्जेक्ट मैं 3 घंटे में कवर कर लेता हूँ। और स्टूडेंट एक दूसरे को पूछे भी तो क्योंकि सबके सवाल अलग अलग होते हैं तो इसलिए वो एक दूसरे से बात कर भी दिया बता भी दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने बताया कि सर आप जब सवाल पूछते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे आप पढ़ा रहे हो, और एक एग्जाम में तो बिल्कुल कमाल हो गया, एक स्टूडेंट ने मेरे से क्वेश्चन पूछ लिया फिर मैंने जवाब भी दे दिया उसको, और वो जब गया उस टाइम तो इंटरनल एग्जामिनर ने मुझे नहीं टोका, बाद में उसने बताया कि सर ये इसकी सवाल पूछने की हिम्मत कैसे हुई आपसे, वाइवा है तो सवाल तो आपने पूछना चाहिए। तो मैंने बोला उसमें क्या गलत है, हम टीचर है स्टूडेंट है, उसको लगा बाहर से कोई एक्सपर्ट आए है और उसको ये भी भरोसा था कि ये मुझे सवाल का जवाब देंगे इसलिए उसने पूछा और मुझे पता था तो मैंने बता भी दिया। तो मैंने बोला जब अच्छे मार्क्स देने ही है तो व्हाई द एग्जामिनेशन शुड बी लाइक ए रैगिंग सेशन, हम उनको प्यार से जवाब क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि जब एक उसका मैक्सिमम लर्निंग पोटेंशियल होता है ग्रेजुएट हो जाएगा, रुक जाए एग्जाम के टाइम मैक्सिमम लर्निंग पोटेंशियल होता है जी। अभी ये तो टेक्निक्स है, टैक्स है, बट जो मुख्य बात हो रही है सेल्फ एक्सप्लोर करने की, कि बच्चा अपना इवैल्यूएशन खुद से कर पाए उसके लिए इनिशिएटिव ले रहे हैं कि नहीं। तो बच्चे को मार्क्स देने से पहले पूछ सकते हैं कि तुमने जिस तरह से रिस्पॉन्ड किया है ना, आप बताइए आपको क्या लगता है आपके आपका मूल्यांकन से कितने मार्क्स आपको मिलने चाहिए। अगर हम इस बात को कहते हैं तो हमारे द्वारा दिए गए मार्क्स को अप्रिशिएट कर पाता है, एक उदाहरण है ये, ऐसा जरूरी नहीं कि हम हर बच्चे के साथ करें, ये हमारा सेंस कम्युनिकेट भी हो सकता है। हाँ ये मुझे याद है, मैं जब स्टूडेंट था सेकंड ईयर का तो मुझे सेकंड ईयर पॉलिटेक्निक में तो मेरे टीचर ने पूछा था, मेरा वाइवा बहुत ही अच्छा गया, उन्होंने पूछा कि मैं कितने मार्क्स दूं आपको, मैंने बोला सर 50 out of 50, बोले ठीक है ओके, और फिर मैंने देखा 50 में से 48 उन्होंने दिया था जी वो बात मुझे याद आ गई, धन्यवाद। तो मुद्दा यहाँ पे ये है कि हम संबंध का निर्वाह करते हुए दूसरे को एक्सप्लोर करने दे रहे हैं कि नहीं, और न्याय हर क्षण हर संबंध की आवश्यकता है, ये कुछ ओकेजन पे जरूरत है ऐसा नहीं, जैसे हमें कोई प्रॉपर्टी का निर्णय लेना है, एग्जामिनेशन इवैल्यूएशन करना है ना, या फिर कोई कार्य कोई प्रयोजन है घर में उसमें निर्णय लेना है, सिर्फ ऐसा नहीं, ये तो हर क्षण में हर संबंध पे अवसर है आवश्यकता है जी। और
हमें हर बार देखना है कि कैसे दूसरा एक्सप्लोर करता है। कोई बात हम कह भी रहे हैं तो उसको हम एक्सप्लोरेटिव ढंग से कह रहे हैं या प्रिस्क्रिप्टिव ढंग से कह रहे हैं, प्रिस्क्राइब कर रहे हैं या दूसरे को हम जांचने दे रहे हैं, ये हमारे पूरे व्यवहार में आ जाए, पूरे बर्ताव में आ जाए, है ना, इसके लिए अपने को काम करना है। यस यस जी, बढ़िया भैया। ओके संदीप। नमस्ते भैया, सभी को नमस्ते। भैया क्वेरी ऐसी थी कि जैसा अभी आपने बताया कि अपना सुख और दुख अपने भाव का निर्णय अपना ही होता है, अपना खुद सेल्फ का होता है, तो बाहर की परिस्थिति पे वो डिपेंड नहीं रहता है। तो जैसा एक एग्जांपल लेते हैं, जैसा मैं ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ, रुकिए रुकिए, बाहर किसी पे डिपेंड नहीं करता, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। आपका निर्णय डिपेंड कर सकता है, बट निर्णय आपका है, निर्णय हमारा है, निर्णय डिपेंड कर सकता है। अनुकूलता के लिए जो मान्यता बनी है, प्रतिकूलता के लिए जो मान्यता बनी हुई है, उस पर डिपेंड करेगा। इससे किसी रूप में तो डिपेंड कर रहा है, बट निर्णय आपका। जैसे मान लीजिए बाहर बारिश हो रही है, छाता लेकर नहीं जाना है, निर्णय आपका है, बराबर। तो इस बात से तो प्रभावित हो रहे हैं आपकी, अगर बारिश नहीं होती तो विचार ही नहीं करते, बारिश हो रही इसलिए विचार किया, बराबर। फिर उसमें हम क्या कर सकते हैं कि भाई इतनी बारिश से कुछ नहीं होगा, कौन सा हम कागज है कि गल जाएंगे, हम निकल गए। कहीं पर हम देवी क्या कर सकते हैं, नहीं बचा के रखो शरीर को, है ना, ये दोरस मौसम चल रहा है, कहीं जुकाम ना हो जाए। तो निर्णय आपका जी। तो भैया ऐसे एग्जांपल लेते हैं कि भैया आप रोड से जा रहे और यू मेट एन एक्सीडेंट और वहाँ सीवियर आपको इंजरी हो गए, और तुम उसमें मेरा निर्णय कैसा हो गया कि सुख और दुख का, जो कि मैं उसमें भी सुख मान रहा हूँ, उसमें भी मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि एक्सीडेंट होने में मेरा सुख है ना। तो एक बाहर की घटना है, एक्सीडेंट हुआ, हमारे शरीर में चोट लगी, अब उस चोट से मैं कैसे प्रभावित होता हूँ ये मेरा निर्णय है। अगर मैंने अपने को शरीर माना हुआ है तो मैं पूरा भयग्रस्त हो जाऊंगा। अच्छा अच्छा अच्छा। और मतलब ये हो गया वह हो गया, कहीं ऐसा ना हो जाता, कहीं वैसा नहीं हो जाता, मेरा क्या होता, मेरी जिंदगी चली जाती, पूरा ऐसा विचार चलेगा। अगर शरीर को एक साधन के रूप में देखता हूँ तो मुझे ये विचार चले देखो साधन अब बिगड़ गया है ना, अब इसको कुछ दिन आराम देने की जरूरत है, इसको संरक्षण देने की जरूरत है, इसको औषधि चिकित्सा की जरूरत है, तभी ये साधन ठीक से काम करेगा। अगर संबंध की स्पष्टता है मुझे, तो जिससे एक्सीडेंट हुआ उसके प्रति मेरे अंदर विरोध का भाव नहीं आएगा, ये तो जरूर देखिए उसने गलती की है ना, और ऐसी गलती वो बार बार ना करे, दूसरे भी ऐसी गलती ना करे, उसके मेजर्स भी लेंगे बिना विरोध के भाव के, अन्यथा जरा सा चोट लगी और हम कहिए कि मार पीट के उसको भी और चोट पहुंचा दें, खुद भी और चोट खा लें। अच्छा अच्छा अच्छा, बराबर, ठीक है, ओके, क्लियर हो गया, धन्यवाद। बढ़िया बढ़िया भैया जी। तो ये तीन तरह के मोटिवेशन हो सकते हैं हमारी कल्पनाशीलता के। एक है प्री कंडीशनिंग, मान्यता, हमने जाने बगैर कुछ मान लिया, संबंध के बारे में, प्रकृति के बारे में, मानव के बारे में, अस्तित्व के बारे में, जाने बगैर कुछ मान लिया है ना, और वो बदलता रहता है। कोई एक पुस्तक पढ़ ली, एक चीज मान ली, दूसरी पुस्तक पढ़ ली, दूसरी चीज मान ली, एक व्यक्ति से बात किया कोई एक बात मान ली, अगले व्यक्ति से बात किया कोई नई बात मान ली, तो मान्यताएं बदलती रहती है। तो एक स्रोत ये हो सकता है, दूसरा स्रोत संवेदना हो सकता है, शब्द से, स्पर्श से, रूप से, रस से, गंध से, जो शरीर से हमको संवेदनाएं मिल रही है उससे हमारे अंदर कल्पनाशीलता प्रभावित होती रहती है। और तीसरा हमारी सहज स्वीकृति है, सहज स्वीकृति मतलब जो चिंतन बोध अनुभव की मुझ में क्षमता है वो मुझ में रिफ्लेक्ट करता रहता है, उसकी संभावना मुझ में दिखती रहती है। तो जब भी मैं अपने आप से पूछता हूँ कि क्या स्वीकार है, संबंध या विरोध, तो कहता हूँ संबंध। कैसे कहा, क्योंकि चिंतन की क्रिया मेरे में जागृत हो सकती है, पोटेंशियल है मुझ में, वहां से जब रिफ्लेक्शन आता है संबंध ही कहता हूँ, क्योंकि चिंतन तो संबंध का ही होगा ना, तो उसमें निश्चितता है, निरंतरता है, सार्वभौमिकता है, ऐसा दिखाई देता है। तो उसमें निश्चितता है ना, आश्वस्ति भी है, जितना मैं उसको ध्यान से देखता हूँ उतनी आश्वस्ति बनती है, उसकी तृप्ति मिलती है, उसमें सार्वभौमिकता भी दिखाई देती है। तो अभी हमारे लिए सोर्स ऑफ हैप्पीनेस क्या है, इसको हम लोगों ने तो विस्तार से अभ्यास दो में स्टडी किया। तो कोई भौतिक रासायनिक वस्तु है, उसका शरीर से संपर्क हुआ, उससे शरीर में कोई संवेदना तैयार हुई, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध के रूप में, उसको मैंने आस्वादन किया। अब अगर आस्वादन प्रिय है मुझे,
तो मैं उससे सुखी होता हूँ, टेम्पररीली आवेशित होता हूँ, एक्साइटेड होता हूँ। अगर अप्रिय है तो मैं उससे दुखी होता हूँ, बट ये दोनों ही टेम्पररी है, इसमें कॉन्टिन्यूटी नहीं है। और पाएंगे कि जब मैं एक्साइटेड भी होता हूँ इस अनुकूल संवेदना से, तो उससे जो मिलने वाला सुख है उसमें निरंतरता तो होती नहीं है। यही संवेदना एक समय के बाद मुझे इनटॉलरेबल दिखाई देती है, तो मुझे रुचिकर लग रहा है, आवश्यक भी लग रहा है, उसके बाद वो अनावश्यक हो गया बट रुचि मिल रही है उसकी, उसके बाद वो अरुचिकर हो जाता है, फिर असहनीय हो जाता है कि नहीं। तो जो सेंसेशन है ये टेम्पररी हैप्पीनेस या एक्साइटमेंट का स्रोत तो हो सकता है, परंतु निरंतर सुख का स्रोत नहीं हो सकता। ठीक है ना जी, ये बात मुझे लगता है हम सभी को स्पष्ट है। इसमें कुछ और यदि प्रश्न रह गया है तो उसको पूछ सकते हैं। नमस्ते भैया, एक प्रश्न आ रहा है या अनुभव में आ रहा है कि आप जो बोल रहे हैं ये कि अभी सेंसेशन से मुझे निरंतर सुख नहीं मिलेगा ये दिख रहा है, मगर मेरे अंदर से मुझे ये निरंतर सुख मिलेगा ये अब तक दिख नहीं रहा है, तो वो देखने के लिए क्या करें? भाई उसी के लिए अभ्यास कर रहे हैं। यही स्थिति हर मानव की भी होती है, तो हमें ये तो भासता है कि जो अनुकूल संवेदना है इसे सुख की निरंतरता नहीं होगी, कोई कहे भी तो है ना लगता है कि ये बिल्कुल नासमझी की बात कह रहा है जी। ठीक है, परंतु निरंतर सुख का आधार क्या होगा हमको नहीं दिखता है, वही तो सारी पीड़ा है। तो मानव इस निर्णय पे तो पहुंच पाता है, ये निरंतर सुख का आधार नहीं हो सकता, इस पे तो हर मानव सहमत हो जाता है। इसे पूछिए कि भाई भोजन कर रहे हो क्या इसके स्वाद से निरंतर सुखी रह पाओगे, कहता है नहीं। म्यूजिक सुन रहे हो क्या इसकी कॉन्टिन्यूटी हो सकती है इस सुख की, नहीं। तो ये तो आदमी कह पाता है, बट उसको अभी निरंतर सुख का स्रोत नहीं दिख रहा, तो फिर हमसे वो कहता है कि भाई ये ठीक है इसमें कॉन्टिन्यूटी नहीं है, बट कॉन्टिन्यूटी फिर किसमें है, उस पर विवाद खड़ा होता है, फिर उस पर है ना लंबा संवाद होता है इसमें कॉन्टिन्यूटी है कि नहीं। और जब स्वयं में नहीं दिख रहा तो शंका भी होती है, पता नहीं ये बातें सुनकर ऐसा ना हो कि जो है वो भी हाथ से निकल जाए, कि म्यूजिक भी छोड़ दिया है ना और वो भी ना मिला, भोजन का स्वाद छोड़ दिया वो भी ना मिला, तो हम कहीं ऐसा ना ठगे जाए इस पूरे प्रोसेस में। ये देखिए तो ये शंका भय समाज में व्याप्त है और हमारे अंदर भी हो सकता है जी, कि कहीं ऐसा ना ठगे रह जाए है ना, ना इधर के हुए ना उधर के हुए तो जो सामयिक नहीं मिला निरंतर तो नहीं मिला, और फिर समाज में देख रहे हैं लोगों को कि लोग अच्छे हंस बोल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, तो हमको लगता है कि भाई ये लोग ज्यादा अच्छा किए है ना, हम तो ये ज्ञान के चक्कर में फंस के ना पार्टी कर पाए ना सुखी हो पाए ये तुलन भी नहीं किया, मतलब ज्यादातर ये भी हो सकता है कि अगर वहां नहीं पहुंचे बीच में त्रिशंकु हो गए मतलब, मगर तुलन नहीं किया तो भी अपने को जब तक नहीं मिलता तो ये मतलब असमाधान की स्थिति बनी रहती है और फिर हम वहां जाते हैं मतलब ना, इसलिए तो ये बात जो हम लोग हर सुबह मिल रहे हैं अभ्यास कर रहे हैं इसी बात के लिए कि कम से कम विचार में तो एक बार ठीक से फिर से विश्लेषण कर लें, विचार में तो कम से कम तुलन कर लें है ना, एक बार ध्यान दे ले, अदरवाइज क्या होता फिर हम बह जाते हैं। तो आप पाएंगे कि अगर इस तरह के जैसे सेशंस हैं, वर्कशॉप्स हैं या भागीदारी है उसको आप कुछ समय के लिए छोड़ दीजिए, तो पता चला हम किसी अनर्गल चीज में बह गए, लंबे समय तक बहते चले गए, कोई विरोध का भाव को लेकर हमने 6 महीने लगा दिया पता भी नहीं चला, प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट हुआ उसमें ऐसे उलझ गया कोर्ट कचहरी के चक्कर में, उसमें इतना दुख भोगा, दूसरे को दुखी किया, इतना है ना पीड़ा झेली और अवेयरनेस नहीं रहा और 6 महीने निकल गए। परंतु जब हम बार बार सही की ओर ध्यान देते हैं, जैसे मॉर्निंग सेशन है हमको अवसर मिलता है कि हम सही की ओर ध्यान दे पाए, वर्कशॉप है आपस में संवाद करते हैं, सेशन लेते हैं है ना, वर्कशॉप कंडक्ट करते हैं, तो हमारा ध्यान जाता है कि जो सही है जो मुझमें रिफ्लेक्ट कर रहा है पहले से, कल्पनाशीलता उधर फिर उन्मुख होती है, उधर उस दिशा में मुड़ती है, उसमें किसी पॉइंट पे जाकर अगर वो भाव हमारे चिंतन में आ गया तो हो गया है ना, निरंतरता हो गई उसकी, उसके पहले तो ये चीज रहती है जी। तो ये तय हो जाना कि ये इसमें निरंतर नहीं है, ये एक तो पक्का हो जाना, और दूसरी तरफ अपनी इच्छा शक्ति ये भाव में ज्यादा ज्यादा देखने की बढ़ जाना धीरे धीरे, ये काम करना है या देखने की स्थिति की, इसमें मुझे सुख तो सहमत है कि इसकी निरंतरता नहीं है ना, उसमें इच्छा शक्ति को जागृत करने की बात नहीं है,
वो तो अपने में स्पष्टता की बात है। इच्छा शक्ति से होता फिर हम कोई नई मान्यता बना ले, कल से शराब नहीं पीनी है ठीक, और परसों इसी बात पे पी लिया कि चलो एक दिन छोड़ दिया, इतना मजबूत हो गया मेरा निर्णय तो इससे कुछ निकलता नहीं है। अल्टीमेटली हमको देखना होता कि मेरी सह स्वीकृति क्या है, जितना ध्यान देंगे ये सामयिकता से आवेश से निकल पाएंगे। जैसे अभी हम लोग अभ्यास दो में बात करते रहे, ध्यान देते रहे कि जो संवेदना है, जो ये मुझे अनुकूल सूचना मिल रही है, अल्टीमेटली एक सूचना है, जो मुझे स्वाद मिल रहा है ये एक सूचना है ना, उस सूचना को ही मैंने सुख मान लिया है, ये मैंने अर्थ जोड़ा है उस सूचना के साथ, मैंने अर्थ जोड़ा है, अर्थ मेरा उल्टा भी हो सकता है, उसी सूचना को मैं दुख भी मान सकता हूँ जी, है ना। और आपको कई ऐसे अवसर दिखाई देंगे, वही सूचना को पहले मैं सुख मानता था, वही सूचना को मैं दुख मानता हूँ जी जी। तो आपने कोई म्यूजिक चलाई और आपको है ना वो सूचना बड़ी सुखी लग रही है, सुखदायी लग रही है जी। आपने नहीं चलाया, किसी और ने चलाया और वो म्यूजिक चला दिया जो आप चलाते हैं, और आपको लगता है तो मेरा फेवरेट सॉन्ग है, अगले ने क्यों चलाया, अब वही सूचना जब कान में पड़ी आप दुखी हो गए जी। तो अर्थ हमने बदल दिया वहां पर जी, आहार के रूप में भी बदल हो जाता है, कभी पहले तीखे अच्छा लगता था मगर वो अभी दुख देता है, मतलब है ना। अभी टीवी पे एक चैनल लगाना, रिमोट आपके हाथ में तो बड़ा सुखद लगता है, वही चैनल वही लगा है बट रिमोट आपके हाथ से ले लिया गया, दूसरे लगा दिया ठीक, अब वो दुखद लगता है। तो सूचना वही आ रही है, अर्थ बदल गया। तो अर्थ मैं है या निश्चित 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 हो जाए अपने अंदर जी 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 भैया। हाँ तो ये हमको दिखाई देगा कि जो स्वाद है सूचना है, इसको बारीकी से देखेंगे तो दिखता भी है, ऐसा कोई बहुत है ना आगे की स्थिति ऐसा नहीं, नहीं नहीं कि स्वाद को देखिए तो एक सूचना के रूप में दिखाई देगा। उसी को हम लोगों ने स्टेप 5 में विश्लेषित किया था कि कैसे मैं सूचना को लेता हूँ, फिर उसको मैं है ना अपने आप में अर्थ देता हूँ, फिर कैसे मैं प्रभावित होता हूँ या अप्रभावित रहता हूँ जी जी। बिल्कुल बिल्कुल, तो स्टेप 5 पे बने रहना है ज्यादा मतलब जी 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 भैया धन्यवाद। बढ़िया भैया जी, कुछ और हैंड्स रेज है परंतु मुझे लगता है कंटेंट के ऊपर अभी आगे लेके चलते हैं। तो इसी संवेदना का मैं सदुपयोग भी कर सकता हूँ, जब मुझे संवेदना का जो सदुपयोग है वो दिखाई देता है, तो संवेदना का सदुपयोग क्या है, वही जो सूचना आ रही है शरीर से उसका सदुपयोग क्या है कि शरीर को मैं स्वस्थ रखूं, उसको आधार बनाकर या उस सूचना को पढ़कर मैं शरीर के पोषण के अर्थ में, संरक्षण के अर्थ में, सदुपयोग के अर्थ में मैं निर्णय लूं। तो जो शरीर से मुझे सूचना आ रही है उसमें मैं देखता हूँ कि जैसे भोजन मैंने जीभ पे रखा, अब उसका स्वाद मुझे बताता है कि शरीर के पोषण के अर्थ में है कि नहीं, मुझे देखता है शरीर के पोषण के अर्थ में नहीं है। तो आप पाएंगे जितना जितना हम शरीर के स्वास्थ्य प्रति सजग होते हैं, हमारे भोजन का मात्रा, भोजन का प्रकार बदलता जाता है। अभी उसका हम ढेर सारा जंक फूड खा रहे हैं स्वाद के लिए, अब हम तय करते हैं कि जिस जंक फूड मैंने जैसे मुंह पे डाला पता लगता है ये शरीर के स्वास्थ्य के अर्थ में नहीं है, तो उसके अन्यथा निर्णय लेते हैं कि इसको नहीं लेना है। जो हम शरीर के संरक्षण के लिए जुटा रहे हैं उसके बारे में ठीक से निर्णय ले पाते हैं। और इस संवेदना का सदुपयोग करता हूँ ज्ञान समाधान के अर्थ में, जैसे अभी हम आपस में संवाद कर रहे हैं, इस संवेदना के माध्यम से ही हो रहा है, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, आपकी आवाज मुझ तक पहुंच रही है, सामने स्लाइड है उसका दृश्य हम दोनों तक पहुंच रहा है कि नहीं, तो इसको मैं सदुपयोग कर रहा हूँ किस अर्थ में, ऊपरी क्रियाओं को जागृत करने के अर्थ में, चिंतन बोध अनुभव को जागृत करने के अर्थ में। तो अगर मानव में देखें तो संवेदना का एक प्रकार का रूल है, अगर पशु में देखें तो एक प्रकार का रूल है। तो पशु में आप देखें तो प्रकृति सहज ढंग से स्वास्थ्य के अर्थ में वो नियंत्रित है, जैसे आप पाएंगे पशु उतना ही भोजन लेते हैं जितना उनके शरीर के स्वास्थ्य के अर्थ में, उससे अधिक नहीं लेते हैं, ओवर ईटिंग करके ओबेसिटी के शिकार हो जाए ऐसा नहीं होता ठीक है ना। परंतु यदि मनुष्य को देखें तो मनुष्य में ऐसा हो सकता है, कभी कभी उन पशुओं में देखने को मिलता है जो मनुष्य के साथ रहते हैं है ना, परंतु प्राइमा फेसी देखें अगर तो पशुओं में नियंत्रित रहता है स्वास्थ्य के अर्थ में। मनुष्य में अगर हम देखें तो मनुष्य का सदुपयोग भी कर सकता है दुरुपयोग भी कर सकता है, सदुपयोग करने के लिए समझ की आवश्यकता है। तो शरीर का अगर हम सदुपयोग देखें वो तभी पॉसिबल है जब हम शरीर को एक साधन के रूप में देखते हैं। तो अभी जैसे हम शरीर का सदुपयोग कर रहे हैं किस अर्थ में कर रहे हैं, एक तो संबंध के निर्वाह में,
है ना, संवाद करने के लिए, जैसे अभी हम संवाद कर रहे हैं, तो संबंध के निर्वाह में उसका सदुपयोग है। वैसे ही शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए मुझे सुविधा का उत्पादन करना होता है, शरीर का विहार ठीक करना होता है, श्रम करना होता है, उस अर्थ में भी करते हैं, तो श्रम करने के लिए शरीर का सदुपयोग करते हैं। और मानव सभ्यता बनी रहे, मानव परंपरा बनी रहे, उस अर्थ में भी शरीर का प्रयोग करते हैं। तो हमको अब शरीर का जो प्रयोग है ये तीन अर्थ में दिखाई देता है। तो मानव परंपरा बनी रहे तो उसके लिए जो प्रजनन की क्रिया है उसके लिए हम है ना शरीर का प्रयोग करते हैं साधन के रूप में। शरीर के लिए पोषण संरक्षण सदुपयोग के लिए जो सुविधा चाहिए उसके लिए उत्पादन करना है, उसके लिए श्रम करना है, उस रूप में करते हैं। और शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए भी जो श्रम करना है, टहलना है, फिरना है, विहार ठीक रखना है, उसके लिए भी उसका प्रयोग करते हैं। और संबंध में संवाद के रूप में प्रयोग करते हैं, संवाद के लिए प्रयोग करते हैं। ये तीन तरह से दिखाई देता है शरीर का सदुपयोग। इसको हम अपने आप में और थोड़ा जांचे परखें, ये तीन ही है या कुछ और भी हो सकता है, इसको हम देखें। कोई प्रश्न हो तो बताइए। जी भैया नमस्ते, सभी को नमस्ते। भैया अभी जो स्रोत आप रहे थे मान्यता संवेदना और स्वीकृति, उसमें तीन टर्म था, एश्योरेंस और सेटिस्फेक्शन और यूनिवर्सल। तो वही आपने उसको वो बताया, तो एश्योरेंस का वो बताया आश्वस्ति और यूनिवर्सल, और वो फिर उसमें जो सेटिस्फेक्शन था तो हम वो तीनों को कोरिलेट नहीं कर पाए कि बीच में सेटिस्फेक्शन वाला चीज जो है वही पूछना है। तृप्ति होती है उसकी, अगर मेरे भाव सहस्वीकृति के आधार पर, तो उसमें तृप्ति होती है, अन्यथा तृप्ति नहीं होती। अच्छा, ये वो वाला सुख शांति संतोष आनंद वाला सेटिस्फेक्शन यहाँ नहीं है? हाँ, वहां पे भी इनफैक्ट अभी इसको थोड़ा एक लार्जर ब्रॉडर सेंस में यूज किया है तृप्ति को, परंतु वहां से कनेक्ट तो होगा ही। जी 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 भैया, धन्यवाद भैया, सभी को नमस्ते, धन्यवाद जी। बढ़िया बढ़िया दीदी जी, समय हो चला है जी। मुझे लगता है यशवंत भैया अब हम लोग आज क्लोज कर लेते हैं, इनको हम ऑब्जर्व करें। तो आज हम लोगों ने जो चर्चा की, यही लाभ की दृष्टि को लेकर चर्चा की, और संवेदना की क्या भागीदारी है हमारे जीने में, शरीर की क्या भागीदारी है जीने में, उसको हम लोगों ने चर्चा की, इसको अपने आप में ऑब्जर्व करें, कल इस पर और आगे बात करेंगे। बढ़िया भैया, तो सेशन अब क्लोज कर लेते हैं, आप अनाउंसमेंट्स कर लें। जी भैया, तो सभी का धन्यवाद। चैट बॉक्स में हम मैसेज देख पाते हैं कि जो हमारी वेबसाइट है उसी तरह से यूट्यूब लिंक और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, इसकी ज्वाइनिंग लिंक अवेलेबल है, हम उसका सदुपयोग कर सकते हैं। उसी तरह से आज रविवार है, हमारी रीजनल मीटिंग्स आज होगी, तो आप हम इस मीटिंग को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो भैया आज के लिए तो फिर हम रुक सकते हैं। जी, रोक लेते हैं। सभी को धन्यवाद, सभी को नमस्कार। संडे है, थोड़ा समय निकालकर हम अध्ययन भी करें आज अपने आप में। सभी को